भाई 7-0 से विन करा इस वाले मैच को, और इतना ही नहीं सेकंड मैच को तो यहाँ पे 7-1 से विन करा है। सेकंड मैच में एक थोड़ा सा गलती हो जाता है जिसकी वजह से सामने वाले बंदे ने एक राउंड निकाल लिया, अदरवाइज ये वाला भी मैच 7-0 हो सकता था। ऑल राइट, तो मैं कस्टम एचयूडी चेंज कर रहा था, फिर उसके बाद मैं वॉल्ट में जाकर के क्रिएट्स ओपन करने लगा, जिसमें से मुझे एक बंडल, एक कटाना का स्किन, एक पैराशूट का स्किन एंड और भी काफी कुछ मिल गया। उतने में ही मैं तो डिसाइड कर रहा था कि चलो रैंक पुश करते हैं क्योंकि नया सीजन 42 आया हुआ है। बट फिर तभी क्या होता है कि एक रैंडम मेरे फ्रेंड का रिक्वेस्ट आता है, एंड फिर जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा उसने कस्टम मैच स्टार्ट कर दिया। लिटरली भाई पूछा तक नहीं कि खेलना या नहीं खेलना, डायरेक्ट मैच को स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या था भाई, मैंने इतना ही तगड़ा गेम प्ले करा इस वाले मैच के अंदर कि आप लोग भी देखो भाई, आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वाले मैच का गेम प्ले देख करके। तो भाई ये फर्स्ट राउंड है, एंड फर्स्ट राउंड के अंदर ही यहाँ पे लास्ट जोन तक फाइट आ चुका है, जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका है एंड बंदा सामने के साइड पे है। लेट्स गो, रश करके फिनिश आउट करते हैं एंड ओपी लेवल वाला हेडशॉट। फर्स्ट राउंड को तो हम लोगों ने वैसे विन कर लिया है, सेकंड राउंड को देखना क्या ही ओपी तरीके से मैं विन करूंगा एंड क्या ही नेक्स्ट लेवल वाला मैं किल करूंगा। सेकंड राउंड में यहाँ पे भाई मुझे लगा था कि भाई बंदा यहाँ पे घर के अंदर से आएगा, बट वो यहाँ पर से नहीं आया, वो रोटेशन लेकर के आ रहा था। तो मैं बाहर की साइड को आ गया एंड यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूएमपी से एक हेड लग जाए जिससे कि मैं फिर रश कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे काफी ट्राई करा डैमेज देने का, बट फिर कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने रश करके MP40 का स्प्रे मारा और फिनिश आउट। भाई MP40 हो तो और क्या ही चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रे। मुझे जहाँ तक याद है इस थर्ड राउंड के अंदर मैंने AWM लिया था ये सोच करके कि मैं AWM से डैमेज दूंगा फिर शॉर्ट रेंज में जाकर के फिनिश आउट कर दूंगा, बट AWM कुछ काम नहीं आया। तो फिर MP40 लेकर के ही मैंने रश करा, थोड़ा बहुत डैमेज दिया, मेरा भी हेल्थ कम हो गया था यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत नूव वॉक करके पीक लेना ट्राई कर रहा था, बट कुछ हुआ नहीं। वॉल तोड़ने के बाद जैसे ही बंदा निकला मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया और मेरा भी हेल्थ कम हो चुका है, तो फिर मैंने मेडिकेट करा। मेडिकेट करने के बाद ही यहाँ पे जैसे ही जोन श्रिंक हुआ मैंने बंदे को फिनिश आउट कर दिया। यार ये राउंड में से उतना कुछ खास मजा नहीं आया, बट इस मिल वाले राउंड में जो मैंने रश करके बंदे को मारा है भाई, आप कल ही देखो यार इस वाले राउंड के अंदर मैंने स्ट्रेट अवे भाई जरा सा भी एक सेकंड भी शायद ही मैं रुका होगा, स्ट्रेट अवे जैसे ही यहाँ पे ये रेड वाला सर्कल हटता है मैं स्ट्रेट अवे रश करता हूँ, बंदा दिखता है मैंने वॉल मारा एंड स्ट्रेट अवे फिनिश आउट। भाई क्या ही मारा यार इस वाले राउंड के अंदर मैंने। सच बताऊं तो मुझसे थोड़ा सा गलती हो चुका है क्योंकि ये फर्स्ट कस्टम मैच है, तो फर्स्ट कस्टम मैच में मील में उतना कुछ खास फाइट नहीं हुआ था, बट सेकंड वाले कस्टम मैच के अंदर मील में बहुत ही तगड़ा फाइट हुआ था, तो पूरा देखना आपको आगे पता चलेगा। इस वाले मैच के अंदर मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था AWM से मारने का एंड AWM मुझे सिंगल AWM बहुत सही चलाने आता है, मैं मतलब सिंगल AWM से भी वैसे स्कोपिंग करके नॉन स्टॉप मार सकता हूँ जो कि शायद ही ज्यादा बंदे को पता होगा। तो भाई मुझे जहाँ तक याद है फोर्थ वाले मिल राउंड को तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से विन कर लिया, बट इस वाले राउंड में यहाँ पे आया था थोड़ा एपी के चक्कर में, फिर जब मैं रिपेयर किट यूज कर रहा था उतने में मुझे बंदा दिखा, मैंने मारने ट्राई करा बट कुछ हुआ नहीं, उतने में फिर हेडशॉट मार दिया और इस वाले राउंड को भी हम लोगों ने विन कर लिया है। एंड अभी आप देखते रहो भाई ये 5-0 कैसे करके 7-0 में बदलता है। वैसे मुझे सही से याद नहीं है कि आखिर इस वाले राउंड के अंदर हुआ क्या था, बट हाँ इतना तो जरूर पता है कि यार इस वाले राउंड को भी शायद से मैंने विन कर लिया था क्योंकि तभी तो फिर यहाँ पे 7-0 हो पाएगा। तो यहाँ पे आते के साथ ही मैंने हेडशॉट मारा और मुझे शायद रोटेशन नहीं लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ही रोटेशन लिया एंड मैंने ऐसे ही कनेक्ट करा और हेड लग भी। तो भाई ये है वो फाइनल राउंड जिसमें कि डिसाइड होगा कि क्या ये मैच 7-0 होगा या फिर नहीं। वैसे तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया कि ये 7-0 होने वाला है, तो यहाँ तक ना इस वाले राउंड में मैं सोच रहा था कि शायद से ये वाला राउंड मैं हार सकता हूँ या फिर शायद से सामने वाला बंदा ये वाला राउंड निकाल करके 7-0 सेव करेगा, 7-0 नहीं होने देगा। बट सीन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे रश करा, उसने भी काफी अच्छा रश करा, बट मैंने थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट दिखा करके जब वॉल मार के रश करके हेडशॉट मारा तो फाइनली यहाँ पे 7-0 हो गया। ये लास्ट राउंड वैसे हार सकता था मैं अगर वो सही से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अगर रश करता, तो जैसे ही फर्स्ट कस्टम यहाँ पे 7-0 हुआ वो सामने वाला बंदा भाई सेकंड कस्टम के लिए चैलेंज करने लग गया एंड उतने में फिर सेकंड कस्टम भी स्टार्ट हो गया। भाई ये सेकंड कस्टम का वही फर्स्ट राउंड है जो कि मैं हार गया था। इसमें बेसिकली सीन ये हुआ कि मैं बंदे को ढूंढ रहा था कि भाई आखिर है कहाँ पर, फिर एकदम ही अचानक से वो पीछे से आता है एंड वुडपेकर का हेडशॉट मार देता है। यार मुझे लिटरली भाई पता तक नहीं चला था कि आखिर ये आया कहाँ से एंड मार के कहाँ चला गया। अल्टीमेटली इस वाले कस्टम मैच को ऐसे भी हम लोग 7-1 से विन करने वाले हैं, तो उतना कोई सीन नहीं है एक राउंड हारने से। तो यहाँ पे जो रश करके मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, डैमेज देने के बाद भाई बंदा यहाँ पे वॉल पैक कर लेता है, तो फिर मैंने जंप करके मैं अंदर जाता हूँ और फिर फाइनली इस बंदे को मैंने फिनिश आउट कर दिया। इसके बाद वाले राउंड में तो मैं यहाँ पे पीक लेकर के मारने ट्राई कर रहा था, बट बंदा भाई शॉर्ट रेंज में आ जाता है, तो फिर मैं शॉटगन लेकर के शॉर्ट रेंज में जाता हूँ मारने के लिए। और यहाँ पे भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा शॉटगन इतना गंदा रिकॉइल होगा। मैं यहाँ पे भाई बंदे को कितना ज़्यादा मारने ट्राई कर रहा हूँ एंड जब कभी भी मैं फायर कर रहा हूँ मेरा भाई गोली स्ट्रेट अवे हवा पे चल रहा है, बट फाइनली यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज लगा और फिर उसके बाद मैंने बंदे को फिनिश आउट कर दिया। इस वाले राउंड में मैं एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद आपके भी काम आ सकता है कस्टम मैचेस में। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, इस वाले राउंड में मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, फिर उसके बाद मैं रश
करने को जाता हूँ ताकि मैं एनिमी को फिनिश आउट कर पाऊँ, बट जैसे ही मैं रश करने जाता हूँ भाई बंदा यहाँ पे वॉल पैक कर लेता है। तो यहाँ पे भाई अगर कभी भी किसी भी कस्टम मैच के अंदर ऐसे वॉल पैक होता है तो सिंपली तीन तरफ से ऐसे करके वॉल मारना है, जैसे करके मैं यहाँ पे वॉल लगा रहा हूँ, एंड जो चौथा वाला जो रास्ता होगा यहाँ पे आकर के चुपचाप क्राउच होकर के बैठ जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली एनिमी जो है सिर्फ और सिर्फ अब यहीं पर से बाहर निकल पाएगा एंड और कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये ट्रिक का यूज करके हम लोग इजीली मार सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो भाई मैंने दो गोली मारा फिर रश करके फिनिश आउट कर दिया। बाय द वे वैसे क्राउच करके बैठने से फायदा सिर्फ यही होगा कि सामने वाले एनिमी को आपके लोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा एंड आप इजीली सरप्राइज करके एनिमी को फिनिश आउट कर सकते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी वाले राउंड के अंदर मैंने बंदे को बहुत ही तगड़ा वाला हेडशॉट मारा है, वो भी स्कार गन का यूज करके। तो राउंड स्टार्ट होते के साथ ही मैं सोच रहा था कि भाई बंदा यहाँ पे ग्रास वाली साइड से आएगा, बट वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखा। तो फिर मैं थोड़ा ऐसा अलर्ट सा हो गया कि भाई कहीं वो पीछे से आकर के सरप्राइज ना कर जाए, तो इसलिए इस घर के अंदर आकर के मैं वॉल लगा के एनिमी का वेट करता हूँ कि जैसे ही एनिमी दिखेगा तो फिर मैं उस एनिमी से फाइट लूंगा। बट उतने में ही उस एनिमी ने फायर करा तो मुझे पता चल गया कि आखिर वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद मैं आते के साथ हेडशॉट मार देता हूँ। नॉर्मल से ड्रैग करने में ही काफी सही हेड लग गया, लेकिन मे बी हाइट डिफरेंस की वजह से शायद हेड लगाए। तो मील वाले राउंड में आते के साथ ही मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, फिर रश करके बंदे को फिनिश आउट कर दिया। लिटरली भाई राउंड अभी स्टार्ट हुआ था एंड एनिमी फिनिश आउट। ये वही मील वाला राउंड था जो की वीडियो के बीच में आया था और मैंने गलती से प्ले कर दिया था। इस वाले राउंड में वैसे थोड़ा सा फनी सीन हुआ है, आप देखना भाई मैं क्या ही ओपी तरीके से एनिमी को किल करूंगा, क्योंकि एनिमी जो है वो पानी में गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे आते के साथ ही रश कर रहा होता हूँ जो की मुझे ही करना चाहिए था, क्योंकि मेरा हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुका है एंड भाई ये एनिमी इतना गंदा P90 स्प्रे कर रहा है एंड ऊपर से भाई वॉल के अंदर आकर के मुझे मारने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे, एंड मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है एंड मैं यहाँ पे मेडिकेट करने ट्राई कर रहा हूँ। एनिमी दोबारा से ऊपर जाने ट्राई कर रहा था बट उतने में ये नीचे गिर गया एंड मुझे दिख गया था कि भाई ये पानी में जा चुका है। फिर उसके बाद क्या था भाई मैंने इस कार से स्प्रे करा एंड ये एनिमी फिनिश आउट हो गया। अभी मैं एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद आपके काम आ सकता है कस्टम मैचेस में या फिर इवन बीआर रैंक मैचेस में भी। तो अगर जब कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता है पीक एंड फायर का, इन सब सिचुएशन में सबसे पहले तो ज्यादा कवर से निकलना नहीं है एंड थोड़ा कोई एक अच्छे मौके का इंतजार करना है। जैसे ही मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा टाइम दिखा रश करने का तो मैंने यहाँ पे उस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करा एंड यूटिलाइज करा बेसिकली। तो मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया यहाँ पे एंड डैमेज देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट रश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं डायरेक्ट रश करूंगा तो मैं मर सकता हूँ। और फिर जो मैंने बंदे को फिनिश आउट कर दिया यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत पीक एंड फायर करा, फिर उसके बाद जैसे ही मुझे दिखता है कि सामने वाले बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज है तो फिर मैंने रश करा एंड फिर थोड़ा होल्ड करा, बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया और उसके हिसाब से ही खेला और फिर फाइनली मैच को विन कर लिया। तो भाई आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप आज के वाला वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा फॉलो करके देखना, आप शायद आपके भी काम आ सकता है। तो फिलहाल तो आज की इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी यार वीडियो तो मैंने स्टार्ट करा था रैंक पुश के इरादे से बट कहां से काम लोग कस्टम खेलने लग गए, कोई ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक पुश करने का देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो आज की इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।